हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहल। आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी पालक पारा। जैसे हम शक्कर पारा बनाते हैं या फिर नमक पारा बनाते हैं, इसी प्रकार से हम आज बनाएंगे लहसुनी पालक पारा। तो फटाफट देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन। ये लहसुनी पालक पारा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा, एक बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, तीन चौथाई चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, दो बड़े चम्मच तेल और हरे फ्रेश पालक के पत्ते को ब्लांच करके लेना है। तो एक सॉस पैन में हम थोड़ा पानी गरम करने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी गरम हो जाए, हम इसमें ये पालक के पत्ते जो है वो डाल देंगे। जैसे ही ये ब्लांच हो जाए, उसके बाद हमें थोड़ा ठंडा करना है इसे और ब्लेंडर में इसकी पेस्ट प्यूरी बना के लेनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लहसुनी पालक पारा। तो पहले हम एक मिक्सिंग बोल में ये गेहूं का आटा ले लेंगे। ये आधा कप मैदा उसमें डाल देंगे और ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, इसको हम डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये नमक, करेंगे मिक्स। अब डाल देंगे तेल, और इसको हम अच्छे से हाथ पे मसल लेंगे, जिससे ये शक्कर पारा अच्छे से हल्का हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से हाथ पे मसल लेंगे, जिससे ये पारा अच्छे से हल्का हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन। और ये गार्लिक की पेस्ट। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं है या फिर आप नहीं खाते हो गार्लिक, तो इसे आप स्किप कीजिए। और इसको हम मिक्स कर देते हैं। ब्लेंडर में प्यूरी बनाई वो इसमें हम डाल देंगे। इसी प्यूरी में हम इसको भिगो देंगे और उसका एक डो बनाएंगे अच्छे से हार्ड। शायद ऊपर से हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा पानी मिला के आप इसका हार्ड डो बना दीजिएगा। इसको मैंने
जितनी भी पालक की प्यूरी मैंने बनाई थी, होपफुली ये आधा कप पालक प्यूरी बनी थी, उसमें से पूरी मैंने यूज़ की और मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। उसी प्यूरी में ये डो तैयार हो गया है। अब इसे हमें 15 मिनट के लिए ढक के रखना है, किसी भी आप प्लास्टिक रैप में या फिर इस प्रकार से सैंडविच बैग में ढक के 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। जो मैदा है उसको हम डस्ट कर देंगे और इससे किसी भी बेलन या फिर रोलिंग पिन की मदद से हम इसको रोल करेंगे। इसकी रोटी बना के ली है, अब इसको हम डायमंड शेप में कट कर लेते हैं। अब मैं ये 12 जो है उसको बेक करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो इसे मैं बेक करने वाली हूँ 400 फ़ारेनहाइट पे या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो चलिए हम इसे बेक कर लेते हैं। तो ये लहसुनी पालक पारा जो है वो बन के रेडी है, ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको मैंने अराउंड 15 मिनट 400 फ़ारेनहाइट पे बेक किया है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आ गई होगी। ये पालक पारा आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद न्यू रेसिपी। टिल टाइम टेक केयर एंड बाय।